पांच जगत वर्गीकरण के विभिन्न जगतों का तुलनात्मक अध्ययन करना। पांच जगत वर्गीकरण के विभिन्न जगतों को जब हम अलग अलग अध्ययन करते हैं तो हमें काफी कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम इस तरह से टेबल बनाकर अगर अध्ययन करते हैं तो हमें पांच जगत वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन करने में आसानी होगी और एक जगत का दूसरे जगत से तुलना कर हम उसकी विशेषताओं को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इन सभी जगतों का तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार है। आधार, पहला आधार पोषण स्तर। जगत मोनेरा के सभी जीव स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। जगत प्रोटिस्टा स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। जगत फंजाई, इस जगत में सभी जीव विषमपोषी होते हैं। जगत प्लांटी, जगत प्लांटी में सारे जीव स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जगत एनिमेलिया, जगत एनिमेलिया के सभी जीव विषमपोषी होते हैं। दूसरा आधार केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। जगत मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जगत प्रोटिस्टा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। जगत फंजाई, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। जगत प्लांटी, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। और जगत एनिमेलिया, इसमें भी सभी जीवों में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो केंद्रक झिल्ली के आधार पर आप देखिए कि पांचों जगतों में केवल जगत मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, बाकी शेष चारों जगत प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में यह केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में बांटा जाता है। तो तीसरा आधार है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जगत मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव हैं वो सभी जीव प्रोकैरियोटिक हैं क्योंकि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है। जगत प्रोटिस्टा में सभी जीव यूकैरियोटिक हैं। जगत फंजाई, सारे जीव यूकैरियोटिक हैं। वहीं जगत प्लांटी के भी सभी जीव यूकैरियोटिक हैं और जगत एनिमेलिया के भी सभी जीव यूकैरियोटिक हैं। एक बार पुनः यहाँ पर आप देखिए कि जगत मोनेरा को छोड़कर शेष चारों जगत प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के सारे जीव यूकैरियोटिक हैं, जबकि मोनेरा के जो जीव हैं वह प्रोकैरियोटिक हैं। चौथा आधार कोशिका का संगठन, यानी जीव एक कोशिका से मिलकर बना है या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जगत मोनेरा के सभी जीव एक कोशिकी होते हैं। जगत प्रोटिस्टा के सारे जीव बहुकोशिकी होते हैं। जगत फंजाई के सभी जीव बहुकोशिकी होते हैं। जगत प्लांटी के भी सभी जीव बहुकोशिकी हैं एवं जगत एनिमेलिया के भी सभी जीव बहुकोशिकी हैं। यहाँ पर भी आप गौर कर पा रहे होंगे कि जगत मोनेरा को छोड़कर शेष चारों जगत के जीव बहुकोशिकी हैं और जगत मोनेरा में केवल एक कोशिकी जीव पाए जा रहे हैं। पांचवा आधार हरित लवक की उपस्थिति और अनुपस्थिति। जगत मोनेरा के सभी जीवों में हरित लवक अनुपस्थित होता है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में हरित लवक पाया जाता है, उदाहरण के लिए युग्लिना, पर अधिकांश जीवों में यह अनुपस्थित होता है। जगत फंजाई, इसके सभी जीवों में हरित लवक अनुपस्थित होता है। जगत प्लांटी के सभी जीवों में यह हरित लवक पाया जाता है और इसी हरित लवक की उपस्थिति के कारण ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। जगत एनिमेलिया के सभी जीवों में यह हरित लवक अनुपस्थित होता है। छठवां आधार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जगत मोनेरा, चूंकि इस जगत के सभी जीवों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। जगत प्रोटिस्टा में युग्लिना ही एक ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है और अधिकांश जीवों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। फंजाई जगत के सभी जो जीव हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जगत प्लांटी के सभी जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
जगत एनिमेलिया के सभी जीवों में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। सातवां आधार, कशेरुक दंड की उपस्थिति। जगत मोनेरा के जीवों में कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है। जगत प्रोटिस्टा के जीवों में कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है। जगत फंजाई में भी यह कशेरुक दंड अनुपस्थित है। जगत प्लांटी में भी यह कशेरुक दंड अनुपस्थित है। जगत एनिमेलिया के सभी जीवों में यह कशेरुक दंड पाया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कशेरुक दंड केवल एनिमेलिया में ही पाया जा रहा है, बाकी शेष चार जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी में यह अनुपस्थित है। आठवां आधार, तंतुमय शरीर। जगत मोनेरा के जीवों का जो शरीर है वो तंतुमय नहीं होता है। जगत प्रोटिस्टा के भी जितने भी जीव हैं उनका भी शरीर तंतुमय नहीं होता है। जगत फंजाई में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों का जो शरीर है एक विशेष प्रकार के तंतुओं का बना होता है, और इस तंतुमय जाल को हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं, और यह विशेषता इस जगत फंजाई की मुख्य विशेषता है। जगत प्लांटी में जीवों का जो शरीर है वो तंतुमय नहीं होता है, और जगत एनिमेलिया के जितने भी जीव हैं उनका भी शरीर तंतुमय नहीं होता है। यानी इन पांच जगतों में केवल एक ही जगत यानी जगत फंजाई के ही जीव जो हैं वो माइसीलियम के बने हुए होते हैं। नौवां आधार, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। जगत मोनेरा के सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और यह जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जगत प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जगत फंजाई में भी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। जगत प्लांटी के जितने भी जीव हैं उन सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि जगत मोनेरा और जगत प्लांटी इन दोनों ही जगतों में कोशिका भित्ति पाई जा रही है, परंतु मोनेरा की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, और जगत प्लांटी के जीवों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी हुई है। जगत एनिमेलिया के जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।